नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन भाजपा आदिवासियों के साथ छलावा कर रही है। ये बात आज जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष विकास शर्मा ने मुख्यमंत्री के प्रतीकात्मक पुतला दहन करने के बाद कही। ज्ञातव्य हो कि सीधी के कुबरी बाजार में एक भाजपा कार्यकर्ता का एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसी के विरोध में युवक कांग्रेस द्वारा रायसेन के सागर भोपाल चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। कल सीधी के हुई मानवता को शर्मसार करने वाली घटना के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। युवक कांग्रेस ने कहा कि जल्दी से जल्दी उस आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। उधर थाना प्रभारी मनोज सिंह ने हमारे चैनल को फोन पर बताया कि युवक कांग्रेस ने पुतला जलाने की कोशिश तो की, लेकिन उसे पुलिस ने कामयाब नहीं होने दिया। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। सीधी विधायक के विधायक प्रतिनिधि बनाए गए एक भाजपा के नेता ने एक दलित एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर जिस तरह से पेशाब की, पूरे देश के अंदर ये घोर निंदनीय घटना है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी आदेश जारी किया और पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के पुतले जलाए जा रहे हैं। मेरी मांग है सरकार से कि उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और NSE की कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह का घोर कृत्य, निंदनीय कृत्य कोई करने की इच्छा ना रखे। क्या नाम लिखते हैं? रूपेश तंतवार, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस। सीधी के अंदर अमानवीयता का वो चेहरा जो कभी सामने नहीं आया था, वो आज हमारे सामने आया है। एक भाजपा के विधायक प्रतिनिधि ने एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को बाथरूम की, वो किसी भी समाज का होता, मगर जब तक उस व्यक्ति ने किया है वो घोर से घोर निंदनीय है। और CM शिवराज सिंह चौहान को अपने घर बुलडोजर चलाना चाहिए। अब क्यों चलवा रहे बुलडोजर? अभी तक उसका घर टूट जाना चाहिए था, मगर उसको कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, उसे घर टूटा हो या कोई ऐसा काम किया हो, इसलिए इसका विरोध करने के लिए हम ये पुतला जला रहे हैं CM शिवराज सिंह चौहान जी का। जिसके साथ ये कृत्य हुआ है वो आदिवासी बताया जा रहा है, तो भाजपा सरकार जो है एक तरीके से आदिवासियों का हितैषी भी मानती है, तो क्या? नहीं, देखिए, आदिवासियों से भाजपा सरकार छलावा कर रही है और कुछ नहीं है। हमेशा से भाजपा आदिवासी विरोधी रही है और यही उसकी, देखिए, विधायक प्रतिनिधि किसी व्यक्ति को बाथरूम कर रहा है, ज्यादा घोर विरोधी चेहरा क्या होगा उसका? कितने बड़े आदिवासी विरोधी ये लोग। क्या नाम लिखते हैं? विकास शर्मा, जैसे।